हेलो फ्रेंड्स, राधा माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, इसको हम वेट लूज में भी खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कुकुम्बर ले लिए ककड़ी, और इसका पहले डार्क वाला पार्ट निकाल देंगे। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह से किसनी की मदद से इसको किस लेंगे। इसका छिलका मैंने हटाया नहीं है, ये भी हेल्दी रहता है। मैंने सारी किस ली है और इसका पानी नहीं निकालना है, ऐसे ही यूज करेंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे से ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसके साथ ऐड करेंगे 1 बाउल कर्ड। फ्रेंड्स, ये खट्टा होता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने कुकुम्बर ककड़ी किसके रखी हुई है, उसको डाल देंगे सारी। उसके बाद अब इसमें ऐड करना है हमने, मैंने एक टमाटर कट करके रख लिया था, साथ में बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे 1 प्याज, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा क्यूमिन सीड, उसके साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों मस्टर्ड सीड, और उसके साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डालकर पहले इसे बिना पानी डाले ही अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे, क्योंकि उसमें दही है और हमने जो कुकुम्बर डाली है उसका भी पानी निकल आया है। तो पहले अच्छे से इसी तरह से मिक्स कर देना है इसको, और उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर बना लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, मिक्स करना है, इकट्ठा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा और हमारे जो ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं वो सही से नहीं बनेगा। इस तरह से बैटर बना, इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट साल्ट, और उसके साथ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे, और जिससे ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, और जल्दी जल्दी चलाते हुए इसको हम मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, हमारा ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको रख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसको। यहाँ मैंने तवा को गर्म होने रख दिया था, थोड़ा सा घी डालेंगे, आप घी या तेल बटर कुछ भी ये ऑप्शनल है यूज कर सकते हैं, और ग्रीस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है, ग्रीस हो गया है। अब इसकी फ्लेम को करेंगे लो, और हमने जो बैटर बना के डाला है इस तरह से डालेंगे 1 चम्मच भर के, और हल्का सा बीच में बस स्प्रेड कर देना है, और साइडों से घी डाल देंगे। तेल, घी, बटर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ इसमें कितने अच्छे बबल्स बनने लगे हैं, आप देख सकते हैं। इसको हल्के सेकेंगे पहले, अब इसको पलटे की हेल्प से किनारे निकाल लेंगे नीचे से, साइडों से अच्छे से, और हल्के हाथ से पलट देंगे। और फ्रेंड्स, इसको आराम से पलटना है, उछलता है ये पलटने में। और अब इस पर हल्का हल्का घी किनारों में लगा देंगे और ऊपर लगा देंगे। आप घी, तेल, बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसको दूसरी तरफ से भी आराम से निकाल लेंगे, और अच्छे से निकालने के बाद पलट देना है उसको। और अब इसमें हल्का सा घी लगा देंगे और दोनों साइड से पलटते पलटते हुए सेक लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे पैनकेक में, अच्छे से सेकेंगे।
फ्रेंच प्रेस करते हुए दोनों साइड से अलटते पलटते हुए सेक लेना है, आप देख सकते हैं, और इसको हटा देंगे अब। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने एक एक करके सारे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं हमारा ब्रेकफास्ट कितना अच्छा। तो फ्रेंड्स मैंने हमारे ब्रेकफास्ट को सॉस और गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसे हम बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी बना के खा सकते हैं, और एकदम सॉफ्ट बनते हैं ये, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ हमारे पैनकेक्स कितने अच्छे बने हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।